तो गाइस अभी मैं हूँ जेसी रोड पे। जैसे कि लास्ट टाइम आप लोगों को मैं बोला था कि सेकंड हैंड बाइक शोरूम पे आके मैं आप लोगों को जो लो एंड सीसी का बाइक है उसका बारे में आप लोगों को मैं डिटेल्स वीडियो बना के दूंगा। तो आज उसी के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, और गाड़ी भी ख़रीदना था तो उसी के लिए भी मैं यहाँ पे आके गाड़ी ख़रीद भी लिया ऑलरेडी। और जो आप लोगों को मैं बोला था जो लो एंड सीसी का बाइक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो टीवीएस, फिर सुपर स्प्लेंडर प्लस वगैरह, स्कूटी वगैरह सब कुछ है। तो उस चीज़ को आप जो फुल वीडियो है आज इस वीडियो में होने वाला है, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पे अभिषेक भाई है यहाँ पे, और वो पूरा फुल डिटेल्स के साथ बाइक का जो स्पेसिफिकेशन है सब कुछ बताएगा। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। अभी भाई अभी कहाँ से स्टार्ट करना है? पहले स्प्लेंडर में, स्प्लेंडर 2019 मॉडल स्प्लेंडर, 2019 मॉडल। इसका प्राइस क्या रहेगा? वो 75 बोलता, 75 नेगोशिएबल आता, नेगोशिएबल होगा। और जो आप ऐसा रेट बोलो जो लोग ले सकते हैं, मतलब कोई भी अगर यहाँ पे काम करने के लिए आता है, जैसे कि स्विगी में बहुत लोग काम करते हैं, उसके लोन सीसी का बाइक लोन दे, तो लोन सीसी का बाइक उन लोगों को ज़्यादा चाहिए होता है, तो उन लोग एफोर्ड कर सकते हैं। उसी हिसाब से जो रेट रहेगा वो सब आप बता सकते हो। ये 2021 स्प्लेंडर, सुपर स्प्लेंडर है, 4 सीटी। ओके, स्टार सिटी। तो सर इसका प्राइस क्या रहेगा? 85। नेगोशिएबल। तो यहाँ पे आके कितना तक नेगोशिएबल हो सकता है? के पाँच, मतलब 5-10 हज़ार, मतलब जो कंडीशन रहेगा कंडीशन के हिसाब से ऑन टेबल नेगोशिएबल होता अच्छी कम में नया। और इसके बाद आपके पास थोड़ा एक्स्ट्रा, मतलब हाई एंड सीसी का बाइक भी मिल जाएगा। सीसी ड्यूक, टू ड्यूक, ड्यूक है। और स्कूटी में जो वैरायटी है आप दिखा सकते हैं। अंदर आओ, ड्यूक एंड मॉडल 2016 मॉडल ड्यूक, सुपर ड्यूक। कैसा जाता मालूम? फुल फास्ट 2016 मॉडल। प्राइस 130 बोलता है चिका में, वो होता नेक्स्ट डबल सिंगल ओनर प्लस नेगोशिएबल, तो सो इसको कम भी कर सकता है कम। और जो ईएमआई, जो फाइनेंस वाइनेंस का कोई चक्कर नहीं है, वो आप लोग करके दे सकते हो। यहाँ पे बहुत लोग ऐसा होता है, स्टूडेंट है, वो लोग आने के बाद जगह इसी टाइप का बाइक उन लोगों को जरूरत रहता है, तो आप उसमें भी फाइनेंस करके दे सकते हो। फाइनेंस के लिए क्या क्या जरूरत पड़ता है? पैन कार्ड, आधार कार्ड, और लोकल कुछ डॉक्यूमेंट्स, लोकल रूम एग्रीमेंट, ऐसा कुछ वैसा। ओके, सो आप लोगों को अगर कोई भी बंदा हो, किसी को भी अगर गाड़ी चाहिए सेकेंड हैंड में, आपको अगर फाइनेंस लेना है, कैश लेना है तो बात अलग है। कैश होगा तो आप कैश दो, गाड़ी लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको अगर फाइनेंस करना है तो आपके पास, आप अगर बैंगलोर में आए हो तो बैंगलोर में कोई भी रूम पे रहते हो तो उसका एक रूम एग्रीमेंट देता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप रूम ऑनर को बोलो तो वो आपको प्रोवाइड करवा देगा। वो लेके आप यहाँ पे देके ये चीज़ क्लोज कर सकते हो, आपको ईएमआई मिल जाएगा। सो इसके बाद क्या दिखाने वाले हो? यहाँ पे स्कूटी भी है, बहुत लोगों को स्कूटी जरूरत रहता है, जैसे कि 20 मॉडल डियो। ओके, इसका 18 मॉडल, ओ 18 मॉडल, क्या बात, बजट बोल बा 75। ओके, आप देख सकते हो इसका जो कंडीशन है, यहाँ पे जितना भी बाइक मिलेगा आपको यहाँ पे नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन है। यहाँ पे एक्सेस है, देख सकते हो सुजुकी एक्सेस, थोड़ा ओल्ड मॉडल है, ये न्यू मॉडल है, दोनों ही न्यू मॉडल है, दोनों 2019 का। और ये 2018 मॉडल का गिरा दिया, 2018 मॉडल का। इसका क्या प्राइस रहेगा? एक्सपेक्ट कर रहा है 59 नेगोशिएबल। ओके, एक्सपेक्टेड 59 लेकिन नेगोशिएबल हो सकता है। सो गाइस देख सकते हो 59 नेगोशिएबल, यहाँ पे 5-6 हज़ार रुपये तो ऐसे ही नेगोशिएबल आप कर सकते हो। कंडीशन देख के ऑन टेबल जितना हो सकता है आपको उतना नेगोशिएबल हो जाएगा। और आप यहाँ पे आओ, ये दुकान का नाम बोल दो, इसका नंबर वगैरह आप दे सकते हो। कोई भी बंदा अगर आएगा तो आप उनसे बात कर सकते हो। अगर आप लोग आते हो ये वीडियो देख के, तो आप लोग आके यहाँ पे बोल सकते हो कि यूके ब्लॉग्स का वीडियो देख के यहाँ पे आया हूँ, सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा डिस्काउंट वगैरह मिल सकता है। तो आप आओ, हेलमेट आपके कस्टमर होते हैं, हेलमेट आप हेलमेट फ्री देता। ओके, सो हेलमेट फ्री मिल सकता है अगर यूके ब्लॉग्स की तरफ से आएगा तो, आप हेलमेट फ्री दोगे। ओके, तो ये बहुत अच्छा बात है गाइस। आप अगर ये वीडियो देख के आते हो और अगर आके मेरा चैनल का नाम लोगे तो ये लोग एक आपको हेलमेट फ्री देगा। जेन्युइनली बहुत सारा जगह पे ऐसा होता है कि आपको हेलमेट वगैरह फ्री देता है, लेकिन वो एक्स्ट्रा प्राइस आपके पास से चार्ज करता है। लेकिन आप यहाँ पे आओगे
और मेरा चैनल का नाम बोल के आओगे तो आपको हेलमेट फ्री मिलेगा, लेकिन आप वहाँ पे गाड़ी का जो कंडीशन है कंडीशन देख के आप रेट चूज़ करके फिर वो चीज़ के ऊपर जाना, क्योंकि गाड़ी का कंडीशन देख के उसका प्राइस होगा। यहाँ पे हेलमेट देगा बोल के उसका प्राइस ज़्यादा नहीं होगा। बहुत सारा यहाँ पे जगह है उन लोग प्राइस थोड़ा हाई रखता है तो वो लोग दे देता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मैं यहाँ से 7-7 बाइक लिया हूँ ऑलरेडी, यहाँ पे मैं बैंगलोर में 2-3 साल आया हूँ, 2-3 साल पहले, उसके बाद से मैं 7 बाइक यहाँ से ले चुका हूँ। मेरा फ्रेंड लोगों के लिए, जितना भी मेरा फ्रेंड सर्कल है सबके लिए मैं बाइक्स यहाँ से ले चुका हूँ। आज भी लेके गया हूँ, आज 2 बाइक लिया हूँ और एक पेंडिंग है, नेक्स्ट कल या परसों आके लेके जाएगा। सो ये दुकान का नाम नंबर आप एक बार श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर अंगड़ी नेशनल नेशनल जो लोकेशन है, अगर कोई आना चाहता है तो कैसे आएगा? इसका जो गूगल मैप लोकेशन है गाइस, मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को दे दूंगा, आप वो फॉलो करके भी आ सकते हो। जो दुकान का ऑनर रहेगा उनसे बात करना, बात करने के बाद जाके आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का बाइक यहाँ पे मिल जाएगा। और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ और भी बाइक्स यहाँ पे है, यहाँ पे मैं आप लोगों को बाइक दिखा रहा हूँ। आप लोग जब आओगे तब ये बाइक अवेलेबल नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बाइक्स आता है चला जाता है, आता है बिक जाता है। उस टाइम पे जो भी बाइक यहाँ पे अवेलेबल रहेगा उसका बेस्ट रेट पे आप लोगों को मिल जाएगा। सो आप लोग आओ बिना कोई हिचकिचाहट के, यहाँ पे आपको बेस्ट रेट में बाइक मिलेगा, जो EMI वगैरह है सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। और आप लोगों को बहुत ऐसा होता है कि RC बुक या कोई डॉक्यूमेंट्स लेके दिक्कत रहता है, वो चीज़ यहाँ पे बेसिकली नहीं रहता है, क्योंकि जो गाड़ी का डॉक्यूमेंट्स फुल रहता है वही गाड़ी यहाँ पे आता है, और उसके बाद जो कस्टमर को बेचा जाता है उसको फुल प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही दिया जाता है गाड़ी। तो चलो मैं आप लोगों को और भी दिखाता हूँ, यहाँ पे सामने और बहुत सारा बाइक यहाँ पे देख सकते हो। एक एक बाइक को दिखा के उसका रेट बोलना तो वो पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन जितना हो सकता है मैं आप लोगों के लिए वीडियो में दिखाऊंगा। ओके, BMW 310 इसका क्या प्राइस है? तो यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कंडीशन है, नेक्स्ट टू न्यू कंडीशन देख सकते हो, 230 बोलता है, चिकन में नेगोशिएबल होता। ओके, सो इसका जो प्राइस है 230,000 बोल आस्किंग प्राइस है, जो कस्टमर है यहाँ पे जितना भी बाइक आता है वो डायरेक्ट कस्टमर के पास, कस्टमर का ही रहता है, वो लोग बाइक छोड़ के जाता है, वो ही बाइक बेच के आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का जो रेट है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ये BMW 310 है, इसका जो प्राइस है 230,000 आस्किंग प्राइस है, उसके बाद आप लोग आके नेगोशिएबल हो सकता है। उसके बाद कौन सा बाइक दिखा रहे हो? सो गाइज ये देख सकते हो, ये NH125, ये ऑलरेडी हम लोग परचेस कर चुका है, इसको ऑलरेडी हम लोग परचेस कर चुका है। और एक बाइक आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो TVS स्टार सिटी, ये देख सकते हो एकदम नेक्स्ट न्यू कंडीशन है, इसका जो चला हुआ किलोमीटर है यहाँ पे मैं ऑन करता हूँ, ये देख सकते हो 903.5, 910 किलोमीटर चल चुका है ऑनली। सो इसका जो न्यू प्राइस है वो ऑलमोस्ट 95,000 के आसपास है, और इसका जो प्राइस है, इसका प्राइस क्या रहेगा? 78। सो इसका जो आस्किंग प्राइस है 78 है, और उसको वो भी नेगोशिएबल है। आप लोग आओ, गाड़ी देखो, कंडीशन देखो और लेके जाओ। जो डॉक्यूमेंटेशन का प्रॉब्लम था सबको, वो प्रॉब्लम भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आप लोगों को कोई प्रॉब्लम मिलेगा नहीं, तो उसके लिए आप बेफिक्र रह सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो स्कूटी डीओ भी है। ओके, डीओ का क्या प्राइस रहेगा? स्प्लेंडर। ओके, स्प्लेंडर वगैरह वहाँ पे है, जोमेटो को एक्टिवा। ओके, जो बंदा लोग, जो भाई लोग स्विगी में जोमेटो में काम करते हो वो आके यहाँ पे देख सकते हो। स्कूटी भी है, बाइक भी है यहाँ पे, माइलेज वाला बाइक भी है, शाइन और स्प्लेंडर वगैरह सब कुछ है। तो सो एक एक बाइक को दिखा के आप लोगों को इतना लंबा वीडियो बनाने का कोई मतलब नहीं है। आप आओ ऑन टेबल, यहाँ पे नेगोशिएबल जो भी रेट रहेगा नेगोशिएबल है, और यहाँ पे आने के बाद आके आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी बाइक मिलेगा, लेकिन रेट भी आपको उस हिसाब से बेस्ट क्वालिटी का रेट मिलेगा। सो आप बेफिक्र आ सकते हो। मैं आप लोगों को इसी के लिए रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 6 बाइक लिया हूँ और एक बाइक नेक्स्ट लेने वाला हूँ, तो इतना सारा बाइक अगर कोई दुकान से ले रहे तो उसका कुछ ना कुछ तो अच्छा ही होगा। सो मेरा फीडबैक के थ्रू आप आ सकते हो, जितना भी हो सकता है
यहाँ पे नेगोशिएबल हो जाएगा, आपको बेस्ट क्वालिटी का बाइक मिलेगा। जो आप लोगों को मैं दिखाया था 390, जो लास्ट वीडियो में आप लोगों को दिखाया था 390 है, देख सकते हो वही 390 है। सो हम लोग जब आया उस टाइम इसको भी लेके आया, आज जो बाइक खरीदा ये देख सकते हो, एक एंटॉर्क के एंटॉर्क लिया, ये जो 125 का NH है उसको ले लिया, और एक बाइक जो है आप लोगों को दिखाया जो स्टार सिटी का TVS का, वो भी हम लोग लेने वाले हैं। सो गाइस अभी मैं निकल चुका हूँ R15 वर्जन 3 को लेके थोड़ा सा टेस्ट ड्राइव के लिए और आप लोगों से कुछ बात करने के लिए। जैसे कि यहाँ पे बाइक्स का जो रेट है थोड़ा सा आप लोगों को ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जितना भी बाइक्स है आप अगर मेरी मानो तो बाइक्स का कंडीशन एक क्लास कंडीशन है विद डॉक्यूमेंट्स के साथ। यहाँ पे जितना भी बाइक्स आता है फुल डॉक्यूमेंट्स के साथ ही आता है। यहाँ पे जितना भी अगर आप बाइक खरीदते हो तो वो बाइक का डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर आपको RC ट्रांसफ़र लेके सब कुछ मिलेगा। बहुत सारा जगह पे ऐसा होता है कि बाइक का थोड़ा रेट कम रहता है लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें थोड़ा सा दिक्कत रहता है, बाद में जाके आपका नाम पे होगा या नहीं होगा उसका कोई गारंटी नहीं रहता है। सो गाइस यहाँ पे आप अगर आओगे आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, पूरा का पूरा जितना भी बाइक है सबका डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रॉपर एक क्लास कंडीशन के साथ आपको बाइक मिलेगा। रेट के लिए आप सोचना मत, क्योंकि यहाँ पे नेगोशिएबल प्राइस के साथ रहता है। आप यहाँ पे जितना भी आपका बजट है उस हिसाब से देख के आप बाइक ले सकते हो। और जो बंदा यहाँ पे अभिषेक, उसको थोड़ा सा हिंदी का प्रॉब्लम है, हिंदी उसको बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो इसके लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना। और गाइज यहाँ पे देख सकते हो कितना सारा बाइक यहाँ पे और भी अवेलेबल है, लेकिन इतना सारा बाइक्स है पूरा वीडियो अगर बनाऊँगा तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। शायद मैं नेक्स्ट कभी इसके बारे में एक वीडियो बनाऊँगा। और आज का जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर देना। तो चलो आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हो और आप लोगों से मिलता हूँ कभी नेक्स्ट और किसी वीडियो